इंद्र ने कहा इनको अध्याय की एक बहुत बड़ा महल खड़ा हो गया और पूरी जातियों सोने की थालियों में सब परोसा गया और सब लोगों को भेजा गया। ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए जो विश्वरथ नाम के राजा थे और उन्होंने देखा ये सब देखकर कहा कि तुम्हें इतना सब एक घंटे में सब कैसा किया। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास काम्भीर सुधी है और उस काम्भीर ने इस तक लिया और उसको परोस करके अपनाई थी खाना खाए उन्होंने विश्राम की अपनाए का बुद्धि देखा। और जब विश्वरथ कहे विश्वरथ ने कहा हमारे पास इतना सब है एक काम्भीर से इतना सब होता है हमारे पास तो आता था हम खाने के लिए लेने लेने के लिए तो तुम उस काम्भीर को भेज दे। उन्होंने विष्णु ने कहा ये मेरी तपस्या का फल है मैं आपको नहीं दूंगा। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर आ जाऊँ तुम किसी तरीके से देखो नहीं या इस काम्भीर को मैं ले जाऊँ। तो उसे हंसे और कहा कि तुम्हारे बस की बात नहीं। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि चलो काम्भीर के गले में रस्सी बांधो और खींचो। काम्भीर के गले में रस्सी ही बांधने वाले थे केवल और केवल वशिष्ठ जी ने काम्भीर के पूंछ का एक बाल खींचा और ऐसा डाल दिया सारे 30,000 सैनिक जल के भस्म हो गए। देखते हैं तब उन्होंने कहा कि फिर क्षत्रिय तो ये क्षत्रिय तो दरबारी सैनिक कुछ भी काम करने वाले नहीं है जिसके बाद ब्रह्म तो है वशिष्ठ एक ब्रह्म है इसने इतने लोगों को खिलाया और केवल एक बार से इतने लोगों को जला दिया जिसके पास ये करोड़ों लोग सैनिक क्या काम करते हैं। मैं इनसे कहता हूँ मैं भी करना चाह रहा हूँ अब तक विश्वास से विश्राम करके ब्रह्म भी करने का काम है। आज की ऐसी तपस्याएं हैं तो आज भी तपस्याएं हैं ये भी बनते हैं पूछा था कि विभिन्न लोग कहते हैं युग है बदल गया साधना ऐसे नहीं होगी। उन्होंने कहा युग नहीं बदल रहा ऋषि आप बदल गए क्या उस दिन में वही सूर्य था वही चंद्र था वही गंगा है कि यही जमीन थी यही विश्व थे बदला वो नहीं बदला प्रकृति नहीं बदले तुम हो तुम तपस्या करने के लिए तैयार नहीं तुम जीते ही 60 साल 60 साल और 20 साल पढ़ने पढ़ाई के लिए 20 साल बीवी के साथ गुजर गए 10 साल बच्चों के साथ गुजर गए बूढ़े लोग साधना कर सकते हैं पूरा हो गया तुम्हें कब तपस्या है तपस्या हुई एक दिन एक दिन महीने या एक साल छह महीने तपस्या करते थे जैसे गुरु को धुंकार कर दिया कि छह महीने से साधना कौन सी साधना किस महीने से तुम एक बार समर्पित तो होते ही तपस्या जब करते हो तपस्या जब होती है तो इस संसार को उस तपस्या का अर्थ प्राप्त होता है। तुम 60 साल सही तरीके से जी नहीं सकते हो बिना दुख के तुम 1,000 साल क्या किए एक सामर्थ्य शिष्य बनने के लिए पहले गुरु की सामर्थ्य बन गई और गुरु समर्पित हो और तुम्हारे से गुरु अनुमित हो गया जिस दिन तुम्हारे गुरु हो गया उस दिन साधना की सिद्धियाँ तुम्हारे सामने नाचने लगे। इसलिए मेरे पास आज जो तुम लोग आए इन लोगों में ऐसे भी लोग हैं जो अपनी समस्याएं लेकर आए जैसे मेरे को पेट दर्द दे रहा है मेरे को फसाना बीमारी है मेरे को शादी नहीं हो रही मैं उनके लिए और जो साधक जिस संसार में साधनाएँ करना चाहते हैं उन लोगों के लिए और जो साधक अपने मन की इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं उन लोगों के लिए और जो लोग गुरु कृपा की प्राप्ति करना चाहते हैं कि आज की साधनाओं में सिद्धियाँ नहीं मिली प्रभु मुझे साधनाओं में सिद्धियाँ नहीं है क्योंकि जो अड़चने हैं अड़चने निर्माण हो रही है उसका निर्मूलन करने के लिए गुरु कृपा प्राप्ति साधना क्योंकि बोली की राशि को श्रेष्ठ प्राप्ति करेगी केवल एक व्यक्ति की साधना भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। समय का ध्यान होना जरूरी है अगर हम आम खाने की इच्छा रखते हैं तो इस ग्रीष्मकाल में ही आम खा सकते हैं हम सीताफल खाना है तो उस विंटर की सीजन में ही खा सकते हैं जिसे फल को समय है ऋतु है उसी तरह साधनाओं के लिए भी समय है क्यों हमारे को नवरात्रि में अशिष्टी नवरात्रि अलग शरद नवरात्रि अलग बुद्ध नवरात्रि अलग होली की रात्रि अलग शिवरात्रि अलग दीपावली की रात्रि अलग और अलग अलग देवताओं के अलग साधना क्योंकि क्योंकि वो साधन हम उस समय देखना वहाँ है कुछ पूरे गुलाब में बात करते हैं दीपावली में गुलाब के लक्ष्मण बात करते हैं बसंत पंचमी के बाद सरस्वती माता बात करें शरद नवरात्र गुलाब दुर्गा बात करें शिवरात्रि के करो तो शिव जी आपको शिव जी से आपका साक्षात्कार हो सकता है तो ये सिर्फ देवता का इस ज्ञान को जब तक नहीं रख लेते तब तक कौन सी साधना पत्र नहीं इसका ज्ञान नहीं होता इसका आज करने वाला गुरु होता है। मैं इसी प्रकार आपका ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ मैंने 5 साधनाएँ ले ली 5 साधनाओं में पहली साधना है किसी भी प्रकार के रोग के नाश के लिए यह साधना ज़्यादा से ज़्यादा आपको आधा घंटा या 1 घंटे से ज़्यादा समय लगेगा इस साधना को करने के लिए मैं आपको पेपर दे देता हूँ साधना के आप उसके अनुसार देखते हैं। दूसरी साधना है हिडिंबा साधना हिडिंबा की पत्नी के रूप में वैसे तो हिडिंबा असुरी है
और उसके बेटे का नाम कृष्ण और उसके बेटे का नाम भरकृष्ण है, जो आज छोटू श्याम के नाम से जाने जाते हैं और जो जिनका कृष्ण के नाम से पूजा होता है। उस भरकृष्ण को जिसने कहा था कि हे कृष्ण प्रभु आपके युद्ध कर रहे हैं, आप मुझे तो तीन बाणों में मैं पूरे युद्ध को खत्म कर दूंगा, जो प्रतिकूल है उसको खत्म करूंगा, तीन बाणों में इस युद्ध को समाप्त कर दूंगा। कृष्ण को पता था कि भरकृष्ण की आवश्यकता है, वो हिडिंबर का पोता, हिडिंबर का पोता था, हिडिंबर साधक धर्मा में गए थे। और कृष्ण को भी पता था कि हिडिंबा को अगर अपने कब्जे में हम लेते हैं तो हम युद्ध जीत सकेंगे, इसलिए उन्होंने हिडिंबा की शादी भी से करवा ली थी। और उस रूप से पुत्र प्राप्त होता अगर कृष्ण को भी महाभारत का उपयोग किया गया था, जब वो ब्रह्मास्त्र वज्रा से जिसको मारने के लिए कर्ण ने अर्जुन को मारने के लिए रखा था, इसके प्राप्तता के कारण उस बात को खंडित कर छोड़कर इसको उस बात का निर्णय कर दिया गया था और अर्जुन को बचा लिया गया। तो इस प्रकार की शादी का हिडिंबा जो और
और जो पहुंचे साधक है वो प्राप्ति के लिए जीवन सुख प्राप्ति साधना कहा गया है। और आज तक गुरु जी मेरी बहुत सारी साधनाएं थी मेरी सफलता नहीं मिली है, मुझे सफलता के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ और आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ, आप सफल साधना सफल करो और आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाओ। ऐसी गुरु प्रसन्नता और गुरु की पुनः प्राप्ति की साधना आज प्राप्त करने के लिए एक ही छोटी सी साधना है। इस साधना को क्या इस प्रकार पांच साधना है आज रात में होली दहन के बाद आप संपर्क कर सकते हैं। कल सुबह तक वैसे तो हर होली या हर स्थगित मैजिक आप मेरे साथ मुखा के आएंगे। साधना जब जल्दी से आरम्भ करते हैं तो कभी कोई भी चार भी मिल जाते हैं। आप क्षमता हो क्षमता आपके पास में साधना है तो बहुत बड़ी है और आप आपकी इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं तो इन पाँच साधनाओं को भी मैं अभी पेपर के रूप में आपके हाथ को दे देता हूँ। आप निर्णय कर लो और कोई साधना करना है आप आ जाओ। इससे भी इन साधनाओं को छोड़कर कोई चाहता है कि मेरे मैंने मुझे इस साधना को करना है तो वो पेपर पर लिखकर आपका नाम और लिखकर क्यू आर को दे दो। मैं उस साधना को संक्षिप्त की एक ही दिन में किस प्रकार साधना को संपर्क किया जाता है और सभी तरह से मैं कहता हूँ कि ये पांच साधना से बढ़कर किसी साधना नहीं है। आप किसी भी प्रकार की साधना आपको पांच साधनाओं को हटकर करना चाहते हैं तो आप पेपर पर अपना नाम लिखकर मुझे ये साधना आज मैं करना चाहता हूँ ऐसा आप दे दो। मैं आपको उस साधना के बारे में शाम तक आपके पेपर पर उस साधना को संपर्क करके लिखकर दे दीजिएगा। आज होली की रात्री है, निश्चित रूप से साधनाएं हैं और आनंदमय रात्रि को रात्रि बिताने की रात्रि है। अपने जीवन में आनंद प्राप्त करने के लिए आप साधनाओं को संपन्न करें।